हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम विशेषतः एक विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं और वह चर्चा का विषय वस्तु है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली एक विशेष योजना, पूर्ववर्ती योजना के रूप में आपने एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में सुना था, जो कि जापान के आधार पर हमारे यहाँ पे लागू किया गया। और आप भी जानते हैं कि इस योजना को लगभग लगभग सरकार बड़े स्तर पर प्रमोट भी कर रही है और हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नागरिक होगा जो इसके बारे में ना जानता हो। और सरकार ने इसको एक असीम ऊंचाई पे पहुंचाया भी है अपने विशेष प्रयासों के दर पे, जिसमें ब्रांडिंग करना, उसके प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को इम्प्रूव करना। तो उस चीज की सफलता के बाद अब सरकार और भी कुछ विशेष पर्यायों को रचना जा रही है। तो उसी पर्यायों को रचने के ही क्रम में एक विशेष योजना हमारे यहाँ पे लागू की जा रही है, जो कि आने वाले समय में जल्द ही चालू किया जाएगा। तो उसका पूरा नाम है एक जिला एक खेल उत्पाद, एक खेल योजना। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं, आजकल जब हम किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करते हैं तो उस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की जो पदक जीतने की दर होती है वह बिल्कुल निम्नतम होती है, जबकि जनसंख्या के मामले में हमारे यहाँ पे लोग हैं। नो डाउट लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों की प्रवृत्ति भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल संसाधन ना होने के कारण समुचित व्यवस्था, एक पूरा जो कह सकते हैं कि क्रम होता है वह ना होने के कारण हमारे बहुत सारे योग्य युवा जो उस प्रतियोगिता में जा करके समय से पदक जीत सकते थे, लेकिन किसी कारण से वह पदक नहीं जीत पा रहे हैं। तो सरकार ने अब सोचा है कि हम खेल गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा देने का पर्याय क्या होगा? सीधी सी बात की जो हमारे प्रदेश के रहने वाले खेल खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक युवा हैं, उनको उनके ही लोकल स्तर पे क्या किया जाए, कुछ ऐसे मॉडल, कुछ ऐसे स्टेडियम उपलब्ध करा दिए जाए ताकि वह अपनी प्रैक्टिस समय से ही जारी करें और आने वाले समय में वह योग्यता हमें क्या करे, पदकों के रूप में दिखाई दे। तो उसी क्रम में योग्य युवाओं का चुनाव करते हुए उनका प्रमोशन कैसे किया जाए, उनके समय के साथ प्रशिक्षण कैसे करी जाए और उनको देखभाल करते हुए आगे के जो बड़े बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वह राज्य लेवल की हो, चाहे देश लेवल की हो, राष्ट्रीय स्तर पे या फिर आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, वहां पे उनके खेलों में उनके चयन को सुनिश्चित करता हो। तो इस आधार पे सरकार आने वाले दिनों में इस योजना को लागू करेगी। ऐसा इस योजना का चर्चा इस कारण से था क्योंकि अभी जो हमारे उत्तर देश का राज्य खेल प्राधिकरण है, विशेषतः राज्य की जो खेल इकाई है उसके जो अध्यक्ष हैं, एक तरीके से सचिव हैं नवनीत सहगल, उनके द्वारा ये बात रखी गई है कि हम किन किन खेलों को प्रमोट करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, तो उन 75 जिले में कौन कौन से खेलों को प्रमोट करने की बात चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जैसे हम रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग जो एक गेम है, आज अगर बात करें तो बनारस, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज, जहां पे पूर्व में भी हमारे यहाँ प्रदेश के कई सारे ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने कभी पदक वगैरह जीता है, जैसे आजमगढ़ वगैरह का नाम तो काफी चर्चा में रहता है, आजमगढ़ और देवरिया का, जहां पे बहुतायत मात्रा में आपके पहलवान पाए जाते हैं। गोरखपुर में आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे जब पंचमी का महीना होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे बड़े स्तर पे दंगल आयोजित किया जाता है। बनारस जो आपका पूर्वांचल है वहां पे भी ऐसी प्रतियोगिताएं आपको पंचमी के अवसर पर देखने मिलती है। तो यहाँ पे रेसलिंग गेम को क्या किया गया है, चयनित किया गया है। इसी तरीके से एथलीट की जब बात की जाए तो उसके लिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, अमेठी, एटा, कौशाम्बी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, शामली, गाजीपुर, मेरठ, बलिया और मुजफ्फरनगर, इन जिलों को एथलीट के लिए चुना गया है। खासा ध्यान रखिएगा, हॉकी की जब बात की जाए तो हॉकी तो हमारे प्रदेश से ही संबंधित है क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो कि प्रयागराज में जन्मे हैं हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। तो उस संकल्पना को लेकर के, चूंकि आज हमारे प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो भी हॉकी है, तो सरकार हॉकी को मुख्य गेम में रख करके कुछ 10-11 जिलों का इसमें चयन करी है। अगर इसकी बात की जाए तो प्रतापगढ़, मऊ, लाल बलेली, लखनऊ, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद, इन जिलों से हॉकी को प्रमोट करेगी। इसी क्रम में टेबल टेनिस की जब बात की जाए तो उसमें आपका आगरा और फिर आपका कानपुर हो जाएगा। बैडमिंटन की जब बात की जाए तो उसके लिए अलीगढ़ और फिर आपका गौतम बुद्ध नगर चुना गया है। साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग की जब बात की जाए तो उसके लिए मिर्जापुर और आपका बिजनौर चुना जा रहा है।
बॉक्सिंग की जब बात की जाए तो बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और आपका कुशीनगर इसमें चुना जा रहा है। तीर की बात की जाए, तीरंदाजी की जब बात करें तो उसके लिए ललितपुर और फिर आपका सोनभद्र आपका हो जाता है। फुटबॉल की जब बात की जाए तो हाथरस आपका इसके लिए फेमस होगा। स्विमिंग की जब बात की जाए तो उसके लिए पीलीभीत हो जाएगा। पुनः अगर यही पर देखा जाए शूटिंग, तो शूटिंग के रूप में बांदा। वैसे बांदा के अलावा देखा जाए तो बागपत में आपने चंदा तुमर का नाम सुना ही होगा, जो कि शूटिंग दादी के रूप में मशहूर हैं। फिलहाल कबड्डी की जब बात की जाए तो कबड्डी आपके कन्नौज से संबंधित होगा। और लॉन टेनिस की जब बात की जाए तो उसके लिए आपका प्रयागराज जिला चुना गया है। तो ऐसे कह सकते हो कि आपके लगभग 13 अलग अलग प्रकार के खेलों को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उनमें मुख्य रूप से 57 जिलों को चिन्हित किया गया है। बाकी जो बचे 22-23 जिले हैं उनमें एथलीट को प्रमोट किया जाएगा। ओवरऑल सरकार और कहीं ना कहीं राज्य प्रशासन का ये मानना है कि हमारे यहाँ पे योग्यता होने के बावजूद हम उस पटल पे उसको पहुंचा नहीं पाते हैं। इस कारण से अब सरकार क्या करी है, इसके लिए कुछ विशेष अनुसंधान करने जा रही है, जिसमें यह योजना काफी कारगर होगा ताकि खेल प्रतिभाओं को यहां पे एक सुनिश्चित अवसर मिले और आने वाले दिनों में क्या किया जाए, उनको प्रमोट भी किया जाए। इसी योजना के अंतर्गत ही आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जब बात करें तो उसने तो पहला सेंटर आपके यूपी के मेरठ में स्थापित कर दिया है और आपके बाकी 75 जिलों में आपके क्या होंगे, इस तरीके से खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार की योजना का पर्याय यह भी है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर ही अब एक जिला एक स्टेडियम संकल्पना को भी हम साकार करें, ताकि राज्य के जो जिले के रहने वाले खिलाड़ी हैं उनको अपने ही जिले में एक स्टेडियम मिल पाए। हालांकि आप भी जानते हैं खेल प्रतियोगिताओं के लिए ही हमारे प्रतिभाओं को कैसे इनके अध्ययन और अध्यापन व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, उस क्रम में एक खेल विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। तो खेल प्रतिभाओं को भी आप कह सकते हैं कि एक नई ऊंचाई देने के लिए सरकार तत्पर है। बाकी जब ये योजना आपकी लॉन्च की जाएगी, क्या इसका पूरा आधार होगा और कैसे कैसे इसके खाके तय होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।